शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को धरना प्रदर्शन कर डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का फ्री इलाज करने तथा इस बीमारी से मृतक आश्रितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया। शिव सैनिकों का कहना है कि डेंगू चिकनगुनिया जैसी अन्य बीमारी आज के समय में महामारी का रूप लेती जा रही है। कोरोना काल से ज्यादा वर्तमान में मौतें हो रही हैं तथा अधिकांश शमशान घाटों पर बहुत अधिक संख्या में दाह संस्कार हो रहे हैं। इन बीमारियों से मरने वालों में युवाओं की संख्या अधिक हो रही है। शिव सैनिकों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि डेंगू चिकनगुनिया जैसी अन्य अज्ञात बीमारी की जांच कर महामारी घोषित कर आयुष्मान योजना की तर्ज पर सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज किया जाए तथा इस बीमारी से मृतक आश्रितों को मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में रामेश्वर दयाल तुरेहा, मंजू राठौर, राकेश श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, मंडल प्रमुख, शिवसेना मंडल मुरादाबाद। आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया जा रहा है, किस संबंध में किया जा रहा है? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित ज्ञापन में डेंगू व चिकनगुनिया व अन्य अज्ञात बीमारी का फ्री इलाज करने की मांग करते हैं और जो इस बीमारी से मृत्यु हो रही है जिनकी, उनको उनके मृतका आश्रितों को मुआवजा देने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि ये कोरोना जैसी महामारी है, इसकी जांच की जाए और यहाँ पर पूरे प्रदेश में बहुतायत संख्या में मृत्यु हो रही है, सारे शमशान घाट फुल चल रहे हैं, इसका जल्दी से जल्दी इसकी रोकथाम की जाए, इसका इलाज किया जाए, जांच की जाए और सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में इसके मरीजों का फ्री इलाज किया जाए। सरकारी अस्पताल में क्या व्यवस्था है? सरकारी अस्पतालों में अभी कोई व्यवस्था नहीं है, सब आप देख ही रहे हो कैसी हालात है। हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि सीख से सीख सरकारी अस्पतालों में भी अच्छी सुविधा मिले और प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान योजना की लाभ की तरह इसका फ्री इलाज किया जाए।